दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। देश में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना लोको पायलट बनना यानी कि भारतीय रेल चलाने का होता है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होती है, इसकी परीक्षा का सिलेबस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स 10th के बाद ही ट्रेन के ड्राइवर बनने के लिए आवेदन करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सिर्फ 10th पास करके लोको पायलट नहीं बन सकते, इसके लिए आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी। अगर आपका सपना ट्रेन ड्राइवर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। यदि आप बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं, तो ट्रेन में सफर करते हुए आपको भी ट्रेन ड्राइवर बनने का विचार आया होगा। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि लोको पायलट कैसे बने। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर और लोको पायलट एक ही पद होता है, जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग के लिए मालगाड़ी और फिर अनुभव के बाद पैसेंजर ट्रेन चलानी होती है। ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय रेल के ट्रेन ड्राइवर बनने में कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेल में ड्राइवर बनने के लिए ज्यादातर ग्रेजुएट लोग ही आवेदन करते हैं। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी करने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है। जहां तक बात करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है, इसके लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय रेल में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी लिखित एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें पास होना बहुत जरूरी होता है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष तो नहीं है। अगर इस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर एक, सबसे पहली चीज, आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, इसके बाद आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। नंबर दो, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 साल की होनी चाहिए। नंबर तीन, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको किसी सरकारी बोर्ड से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास बताई गई क्वालिफिकेशन है तो आप भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं ट्रेन ड्राइवर के एग्जाम में क्या आएगा। भारतीय रेल के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स और तार्किक आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वैसे ज्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है कि ज्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं, ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाजार में बहुत सी किताबें मिल जाती है जिनमें बताया जाता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट दिए जाते हैं। आपको बता दें ट्रेन ड्राइवर का एग्जाम पास करने के बाद होगा साइको टेस्ट। पहला एग्जाम पास करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी लिखित परीक्षा होती है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग फिराने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे में आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि आप कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों का हल पहले से अभ्यास कर लेते हैं तो आप आसानी से इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं ट्रेन ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। पहले और दूसरे एग्जाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज्यादातर ध्यान आपकी आंखों में दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपकी आंखों में किसी भी तरह का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे के इस मेडिकल टेस्ट में शरीर के अन्य भागों का टेस्ट भी होता है, लेकिन जो मुख्य टेस्ट होता है वो आंखों का ही होगा। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज की जांच। जब आप पहले और दूसरे एग्जाम को पास करने के बाद साइको टेस्ट से गुजरते हैं, तो साइको टेस्ट में पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जाँच होती है।
इसके साथ ये भी पता किया जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सिग्नेचर और फोटो आदि की जाँच की जाती है। कुछ परीक्षाओं में ये डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए जाते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारियों से अवगत कराया जाता है। ट्रेन में आप सहायक लोको पायलट बनते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाती है। जब आप मालगाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने की नौकरी दी जाती है। चलिए अब बताते हैं ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। शुरुआत में आपको सहायक लोको पायलट बनाया जाता है, जिसमें आप पहले से मौजूद मुख्य ट्रेन ड्राइवर के साथ रेल चलाते हैं। सहायक लोको पायलट की सैलरी 5,200 से 20,000 तक होती है। कुछ अतिरिक्त आय को मिलाकर इनकी सैलरी 30,000 से अधिक हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। जहाँ तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग होती है। तो अब आप ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, इसके बारे में जान गए होंगे। वैसे देखा जाए लोको पायलट बनने की प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला एग्जाम, दूसरा साइको टेस्ट, तीसरा मेडिकल टेस्ट और चौथा ट्रेनिंग। अगर आप भारतीय रेल की ट्रेन चलाना चाहते हैं, यानी कि उसमें नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको इसी से जुड़ी बुक पढ़कर इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही किसी एरिया में वैकेंसी निकले, उसके लिए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।